पाकिस्तान का पानी भी रोक करके चाहे हमको कहीं से भी लाना पड़े तो पानी आपको जरूर मिलेगा, ये आपको वादा करते हैं। आने वाले समय में हमारी पहली प्राथमिकता वो पानी की रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रथ यात्रा से प्रदेश में सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री जिस तरह ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं उसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरीवास गांव की जनता के सामने नलवा हलके में पानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मुख्यमंत्री ने पानी की समस्या का निपटारा करने के लिए SYL के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो हांसी बुटाना और SYL का पानी ला कर रहेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हरियाणा के लोगों को पानी की और जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा की प्यास बुझाएंगे। इस इलाके की बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जहन में है। सबसे बड़ी समस्या इस इलाके की वो है पानी की समस्या। आपकी पानी की समस्या ये हल करना हमारा काम है। चाहे हमको चाहे कहीं से भी पानी लाएंगे, हमारा SYL का मामला बहुत जल्दी हल होने वाला है, हंसी कुटाना का हल होने वाला है। नहीं तो भाइयों बहनों, लखवार शुरू करा दिया हमने, रेणुका डैम शुरू करा दिया हमने, किसाऊ शुरू करा दिया, और अब पाकिस्तान का पानी भी रोक करके चाहे हमको कहीं से भी लाना पड़े तो पानी आपको जरूर मिलेगा, ये आपको वादा करते हैं। आने वाले समय में हमारी पहली प्राथमिकता वो पानी की रहेगी। मुख्यमंत्री ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान चौटाला और हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा, बाप बेटे और जीजा साले ने मिलकर प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, उनकी सरकार एक एक से हिसाब किताब लेगी। इसी प्रकार से जो लोगों ने इस प्रदेश को लूटा खाया उनके खिलाफ कार्रवाई करके भाइयों बहनों, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और जो खाया पिया वो भी निकाल लेंगे भाइयों। ये पैसा जो लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपनी जेब में डाला, अपने बेटे बेटियां, पोते पोती, नाते दोते दोती और चाचा भतीजा साला जीजा सबका जो हिसाब किताब ले लेंगे, किसी का छोड़ेंगे नहीं भाइयों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा का रथ 12वें दिन हिसार जिले के नलवा हलके के चौधरीवास गांव में घूमा, जहां कार्यक्रम संयोजक कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने जनता के साथ मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए टैंक प्रतिरूप भेंट किया। हिसार में लोगों से सीधे संवाद में CM कई घोषणाएं कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में सफल भी रहे। R9 TV के लिए हिसार से रुद्र राजेश कुंडू की रिपोर्ट।